नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का संकट जारी है, लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगी, पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये घटना गुरुवार अल सुबह करीब 2:30 बजे हुई। इसके बाद पूरे शहर में तनाव है। वहीं केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक होने की वजह से एक बच्चा समेत 11 लोगों की जान चली गई। ऐसे में अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ये कंपनी कौन सी है और इसमें क्या काम होता था जहां इतने लोगों की जान चली गई। जिस कंपनी में अब तक 11 लोगों की जान गई है, उस कंपनी का नाम LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। साउथ कोरियन कंपनी LG का ये पॉलीमर्स प्लांट है। विशाखापट्टनम में RR वेंकटपुरम में केमिकल गैस प्लांट है। अब आपको बताते हैं इस कंपनी में क्या क्या बनता है। इस प्लांट में पॉलिस्टीरीन बनाई जाती है। इस पॉलिस्टीरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक के सामग्री में किया जाता है। मतलब ये कि प्लास्टिक के खिलौनों, कई तरह के उपकरणों, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को रखने वाले कंटेनर, पंखे का ब्लेड, कल्ट्री जैसे सामानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमानों पर किया जाता है। इस प्लांट में स्टीरीन गैस का इस्तेमाल इन्हीं प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के लिए किया जाता रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये कंपनी पिछले 40 दिनों से बंद था, लेकिन लॉकडाउन 3 में मिली ढील के बाद कंपनी में काम करने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच ये बड़ा हादसा हो गया। बताते चले कि फिलहाल प्लांट में सभी तरह के परिचालन को स्थगित कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।